अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उषा किचन एंड व्लॉग्स। आज का हमारा जो व्लॉग है वो डॉलर फ्री पार्ट टू का है, और क्योंकि मैंने पिछली मर्तबा जो व्लॉग शेयर किया था वो पार्ट वन था, और जो हमारा रिमेनिंग स्टफ़ था वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अब आप लोगों के साथ अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ माई वीडियो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। मैं अब आपको मेकअप आइटम्स शो करूंगी। यहाँ पर ये हाइलाइटर्स हैं, कंसीलर हैं, और ये एले ब्रांड का मेकअप है, और यहाँ पे फाउंडेशंस वगैरह भी होते हैं, काजल पेंसिल्स, आईलाइनर पेंसिल्स सब मिल जाती हैं, लिपस्टिक, ये सब अच्छा ब्रांड है। मैंने भी यूज़ किया पर्सनली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि आप फेस पर कोई भी ऐसी लोकल चीज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी स्किन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी बॉडी का, ख़ास तौर पे फेस, तो आप देख के हर चीज़ को यूज़ किया करें। मैं बच्चों की बैंडेज थी जो मैं हर बार लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को बैंडेज लगाने का बहुत शौक है। और ये था ट्रैवल किट, ये छोटा सा जो था ये ट्रैवल किट बैंडेज था, आप ये अपने बैग में रख सकते हैं। ये भी डॉलर ट्री की बैंडेज है, ये पेन रिलीफ बैंडेज है, ये बैंडेज बहुत अच्छी है आपकी पेन के लिए। अब मैं आ गई हूँ बच्चों की बाथिंग सेक्शन में आ गई हूँ। ये बबल बाथ था, ये बॉडी वॉश था, ये भी बॉडी वॉश था डेली यूज़ के लिए, ये एयर फ्रेशनर था, और ये वाइप्स थे। ये मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेकअप क्लीनिंग वाइप्स होते हैं ये। ये शैम्पू था 2-in-1, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। ये टैंगल्स डिटैंगल्स स्प्रे था, जो बच्चों के टैंगल्स हो जाते हैं बालों में उसके लिए। ये था हेयर कलर, ये $2 के अंदर था, और ये ब्राउन सा शेड था, ये भी मुझे अच्छा लगा, पर मैं यहाँ के कलर नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वही बात है कि लोकल चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपके हेयर और स्किन के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ये बॉडी बटर था, बॉडी वॉश, बॉडी क्रीम, ये सब मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। बॉडी बटर था, ये कुछ मास्क वगैरह थे, रिफ्रेशिंग मास्क, रिलैक्सिंग मास्क, ये आप कहीं जाने से पहले आप लगा सकते हैं, और ये भी अंडर $1.50 है। और ये था बाथ बॉम, ये मेरी बेटियों को बहुत अच्छी लगती है, जब भी वो बाथ टब लेती हैं तो वो ज़रूर डालती हैं ये। ये मैं आ गई हूँ बच्चों के बॉटल सेक्शन में, ये मुझे अच्छी लगी बॉटल्स, इनका कलर बहुत खूबसूरत था, ऑलिव ग्रीन कलर था इनका। और जी, मैं अब आई हूँ स्टिचिंग आइटम में, यहाँ पर क्राफ्ट्स के स्टिचिंग आइटम्स होते हैं, ये रेजन कलर्स थे, ये वॉल आर्ट था स्टिकर, और ये हम आ गए हैं कैनवासेस में, कैनवास वगैरह पेंटिंग के लिए जो आपको मिलते हैं ये वो हैं। ये छोटे साइज़ के कैनवासेस जो आपको अंडर $2 मिल जाते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं। ये एक्रेलिक कलर सेक्शन है, यहाँ पर क्रिएटिव स्टफ़ मिलता है, बच्चे जो है वो क्रिएटिव स्टफ़ बनाना बहुत पसंद करते हैं। ये प्रेयर कार्ड्स थे, ये ड्राइंग बुक्स थी, बच्चों का लर्निंग स्टफ़, कलर्स, क्रायोन्स, चॉक्स, जो भी आपको नज़र आ रहा है, ये सेक्शन बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर स्टेशनरी और लर्निंग स्टफ़ मिलता है, बुक्स मिलती हैं, ड्राइंग बुक्स मिलती हैं, आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बुक्स मिल जाती हैं बच्चों की। ये देखिए मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, ये एडिशन बुक थी कि बच्चों को आप किंडरगार्टन से पहले आप प्रिपेयर कर सकते हैं बुक्स के थ्रू। अब ये हम आ गए हैं फिर से स्टीकर सेक्शन में, यहाँ पर ये सारे स्टीकर्स हैं, स्टोन्स हैं, ये जी। तो अब मैं आ गई हूँ फूड आइटम्स और कैंडी सेक्शन में, यहाँ के आइटम्स भी मैं आपको शो करूँगी, बट मैं यहाँ से ये कुछ भी नहीं लेती हूँ इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये हलाल है ये नहीं, तो ये मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी हूँ। ये गनोला बार्स थी, स्प्रिंकल्स थे, ये कैन फूड हैं, आप किसी को डोनेशंस के तौर पर, यहाँ पर डोनेशंस दिया जाता है फूड बैंक में, तो आप दे सकते हैं डोनेशंस के तौर पर। ये स्पैगेटीज़ वगैरह थी, पास्ता नूडल बाउल्स थे, और कुछ सूप वगैरह के बॉक्सेस थे, राइस थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं आपको $1.50 में। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग यहाँ से अपना फूड स्टफ़ भी ले जाते हैं। यहाँ के ज़्यादातर आइटम्स जो हैं वो हलाल नहीं होते, तो बहुत देखभाल के हमें शॉपिंग करनी पड़ती है। ज़्यादातर ऐसी जो कैंडीज़ हों, जेलीज़ हों, उनके अंदर हमें देखना पड़ता है कि जेलेटिन वगैरह ना ऐड हो। अब ये स्पाइसेस सेक्शन था, इसमें ब्लैक पेपर स्पाइसेस थे, मिक्स थे, ग्राउंड थे, और ग्राउंड ब्लैक पेपर वगैरह थी, ये केक का मिक्स था, आप इससे केक बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। ये कलर्स थे, फूड कलर्स,
मैं फूड कलर्स जो है वो पैनकेक्स या फिर केक बनाने में यूज़ करती हूँ। ये स्प्रिंकल्स भी उसी में ही यूज़ होते हैं, और बच्चे ज़्यादातर हॉट चॉकलेट लेते हैं तो उसके ऊपर भी डाल के थोड़ा सा ले लेते हैं, अच्छे लगते हैं बच्चों को। ये मार्शमेलो स्प्रिंकल्स थे, बट ये हलाल नहीं थे क्योंकि इसमें जेलेटिन था, मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे इसके। चले जी, अब हम अपना व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। मेरी वीडियोस को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब हम नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।